यू कांट बिलीव दैट मैंने कम से कम 4 से 5 बार i20 का टेस्ट ड्राइव लिया, क्योंकि मैंने इससे पूछा कि यार भाई गाड़ी इतनी परफेक्ट कैसे चलाने लग गया, तो बोले टेस्ट ड्राइव इतनी बार ले लिए भैया कि मैं परफेक्ट हो गया। इसने शोरूम वालों को ऐसा बोला कि गाड़ी मंदिर जाने के पहले सर्विस सेंटर आ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज मेरे पीछे है 2021 Hyundai i20 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट्स। इसका आज हम जेन्युइन ओनर रिव्यू देखने वाले हैं। सो मेरे साथ आए हैं अनिमेश। हेलो एवरीवन, आई एम अनिमेश पांडे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूछेंगे कि i20 क्यों ली? इतने ऑप्शंस थे हैचबैक की रेंज में, सबको मालूम है कि i20 की प्राइस इतनी ज़्यादा है, तो बहुत से ऑप्शंस थे, इसे परचेज क्यों करा? ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस आज अनिमेश आपके साथ शेयर करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी, जैसा कि i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट है। ऑन रोड प्राइस भी है इसकी 9,05,000 थी, बट मुझे कुछ ऑफर्स लगाने के बाद 892 पे इसका ऑन रोड प्राइस पड़ा, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीस की आई। ऑलमोस्ट 9 लाख। तो मैं पूछना चाहूँगा कि i20 क्यों ली, बिकॉज अगर इसके राइवल में देखा जाए तो मैं बलिनो को तो गिन नहीं रहा हूँ, एल्ट्रॉस जो कि इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक बोलते हैं वो थी, और अगर ये 9 लाख के बजट में देखा जाए तो आपके पास सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइक सोनेट या फिर ब्रेजा जैसे भी ऑप्शंस थे, तो यार i20 लेने के पीछे क्या स्पेसिफिक रीज़न था? पूरी स्टोरी अपनी शेयर करना। एक्चुअली बेसिकली मेरे जो प्रेफरेंसेस थे, सबसे पहला प्रेफरेंस था मेरा कि मैं जो कार लूँ उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। सेकेंड वॉज फीचर्स और कम्फर्ट अच्छा ऑफर करना चाहिए। थर्ड जो था मोस्टली चीज़ जो मुझे वैल्यू करती थी वो थी ब्रांड वैल्यू। तो बेसिकली अल्ट्रोस को मैंने पहले कंसिडर किया था। एक्चुअली पहले मैंने अपना बजट फ्रेम डिसाइड किया, क्योंकि देर आर 4 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मी, सो उसमें से भी 2 जो हैं वो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मोस्टली उनका ट्रांसफरेबल जॉब है। तो उस हिसाब से हम लोग का बजट फ्रेम 10 लाख का डिसाइड हुआ था। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद फिर मैंने एक्चुअली 5 लाख के ऊपर की कार देखी, क्योंकि 5 लाख की नीचे की कार मुझे इतनी प्रीमियम नहीं लगती है। और उसके बाद सबसे पहले मेरे ऑप्शंस में मैंने कंसीडर करी रेनॉल्ट टाइगर थी, निसान मैग्नाइट को तो मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई ब्रांड वैल्यू का एक क्वेश्चन आ जाता है। और रेनॉल्ट टाइगर के आफ्टरवर्ड्स ट्राइबर थी और अल्ट्रोस थी, जो मैंने एज अ शॉर्ट लिस्ट किया था। तो ट्राइबर को भी इसलिए कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि 7 सीटर तो है गाड़ी नो डाउट, बट उसमें मेन दिक्कत जो है 7 सीटर तो आपने दे दी, बट मेन उसका पुल अप पावर और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर रेनॉल्ट से भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई डेफिनेटली क्वेश्चन टू देम कि यार आप लोग एक रेसिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हो तो इंडिया को फॉर ग्रांटेड मत लो। सो बेसिकली ट्राइबर तो इसीलिए मैंने एक्सक्लूड कर दी थी अपने ऑप्शन से। आफ्टरवर्ड्स फिर वेन्यू भी मैंने कंसिडर करी थी। यस, अल्ट्रोस पे जब मैं आया तो अल्ट्रोस का एक्चुअली मुझे ओवरऑल अल्ट्रोस इज़ द बेस्ट। अगर मैं सिर्फ उसकी ड्राइविंग एबिलिटीज़ पे नहीं जाऊँ तो जिस प्राइस पॉइंट पे वो जो फीचर्स ऑफर करती है दैट्स द बेस्ट। बट बेसिकली फिर मैंने जब उसका टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया तो मुझे उतना जो एक परफॉर्मेंस का लैग है उसमें, भले सब लोग कोई बोलता है, कोई यूट्यूबर्स कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं उसमें लैग है, कम्प्लीटली लैग है, कोई बोलता है लैग नहीं है, बट बेसिकली मैंने एज अ बेंचमार्क लिया था वेन्यू और मैग्नाइट और टाइगर को। और भी अच्छी अच्छी SUVs मैंने ऑलरेडी चला रखी थी एज अ टेस्ट ड्राइव के लिए, और i20 भी मैंने एक बार देख चुका था। बट ये था कि अल्ट्रोस को मैंने इसीलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लैग करता है। बेसिकली 5-स्टार सेफ्टी तो है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी सेफ है, इसलिए मैं अगर गाड़ी चलेगी नहीं तो उसका सेफ्टी का भी कोई सेंस नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू। जैसा कि वेन्यू को बताया, वेन्यू में अगर देखा जाए तो i20 के कंपैरिजन में जो सेकंड रो है इसमें i20 में ज़्यादा स्पेस मिलती है, देन रेनॉल्ट का मेंटेनेंस भी ऐसा है, रीसेलिंग नहीं मिलती, और एल्ट्रॉस के मैं डीजल को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल वेरिएंट में इतने वाइब्रेशंस आते हैं, पिलर में से नॉइस आता है, इसलिए i20 मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगा। या डेफिनेटली आपसे भी रिकमेंडेशन लेके मैंने खुद i20 का टेस्ट ड्राइव लिया, और यू कांट बिलीव दैट मैंने कम से कम 4 से 5 बार i20 का टेस्ट ड्राइव लिया, क्योंकि जब भी उसको मैं ड्राइव करा था हर बार कुछ नया चीज़ मेरे सामने आ रहा था। मतलब यार एक जो कंफर्ट मिलता है ना, मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। बहुत से लोगों को इसकी जो प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट जो चलाने का इसका फील है ना, मेनली जैसा कि इसमें 3 सिलेंडर नहीं 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि 1.2 लीटर में मेरे ख्याल से एक ही हैचबैक है जो i20 प्रोवाइड करती है, तो ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। अब अगली चीज़ ये पूछना चाहूँगा, बहुत से कलर शेड्स है, जो नेक्स्ट जेन वेरिएंट आया था इसमें एक नया कलर लॉन्च करा था स्टेरी ब्लैक, तो वो उसे भी छोड़ के मतलब व्हाइट कलर ही क्यों लिया? एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस जो था वो स्टेरी नाइट ही था,
बट हम लोग के पास ऑलरेडी एक वाइट कलर की कार ऑलरेडी मैं ऑन कर चुका हूँ, तो उसके प्रोज ये रहते हैं कि मतलब आपको उसको रेगुलरली ऐसा पॉलिश तो नहीं करवाना पड़ता है, और दूसरा बस उसमें कपड़ा मार दो थोड़ा सा, बस पानी स्क्रैचेस भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहते। मतलब देखो वैसे भी तुमने कोई रीसेलिंग के ध्यान में रखते हुए नहीं लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिए, तो व्हाइट कलर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। रीसेलिंग में भी सामने वाला व्हाइट ही प्रेफर करता है, तो इसीलिए व्हाइट थोड़ा और प्रीमियम लग रहा था जब एक्सेसरीज लगवाई इसमें, तो थोड़ा और ही एक अच्छा लुक आ रहा था। गाड़ी तो हालांकि पूरी नई है, मतलब अराउंड वन वीक भी नहीं हुआ है। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट ही क्यों लिया? चार वेरिएंट्स आते हैं जो कि मतलब इसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी बोला जाता है, बट स्पोर्ट्स क्यों नहीं लिया? एस्टा या एस्टा ऑप्शनल पर क्यों नहीं गए? एक्चुअली एस्टा ऑप्शनल को तो मैंने इसीलिए एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि उसमें सनरूफ आता है, तो हैचबैक में सनरूफ का मुझे तो कोई लॉजिक लगता नहीं है। वैसे भी तुम्हारी हाइट 6 फीट तो हवा हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो कोई काम का है नहीं, और घर पे कोई छोटा बच्चा है नहीं, और एडल्ट्स के लिए मतलब है ही नहीं है। अगर कौन सी बड़ी क्रेटा में अगर आप पैनारोमिक सनरूफ की बात करें वो अलग रहता है, छोटा सनरूफ तो कोई भी काम का नहीं। तो एस्टा भी मैंने इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि उसमें बहुत सारे जो थे ऐसे फीचर्स थे जिसका मुझे बेसिकली नीड नहीं लगा, जैसे एयर प्योरीफायर हो गया, और अपने जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया था, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फीचर्स थे, तो उसके लिए मुझे फिर 10.15 लाख रुपीस स्पेंड करना मुझे कोई वर्थ नहीं लगा। सो अब बात करते हैं एसेसरीज की, तो इसमें जैसा कि तू एसेसरीज लगवा के आया है, तो उसमें क्या क्या लगवाई और जो कोई आइडेंटिटी लेने का प्लान करता है या ओन करता है, तो उसके लिए कौन सी नीडेड एसेसरीज रहने वाली है? बेसिकली भैया एक्चुअली एसेसरीज मैंने उन्हीं एसेसरीज पे फोकस किया जो बेसिकली प्रोटेक्टिव एसेसरीज हो, और फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस से पहले मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप गाड़ी खुलवा के उसमें वायरिंग वगैरह करवाओ। जैसा कि तेरा भी एम्बिएंट लाइट्स लगाने का प्लान था, हालांकि देखो जो अच्छे जेन्युइन मॉडिफिकेशन की शॉप से वो कपलर टू कपलर फिटिंग करते हैं अलग से साइड में स्विच लगा के, बट फिर भी मैंने बोल दिया था कि कोई अभी सेंस नहीं है, उससे कुछ काम नहीं रुक रहा। जहाँ तक कि बॉडी क्लैडिंग वगैरह की चीज़ है वो ज़रूरी रहती है, लाइट का तो अपन बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसी क्या क्या एसेसरीज लगवाई है अपन ने, वो एक बार व्यूअर्स के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले मैंने इसमें एक तो डोर क्लैडिंग लगवाई है, ये क्रोम फिनिश में डोर क्लैडिंग आ जाती है, और उसके बाद मैंने ये प्रोटेक्टर्स लगाए, उसके बाद फिर ये क्रोम हैंडल्स भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। इसमें बॉडी कलर आते हैं ना? बॉडी कलर आते हैं, इसको लगाने के बाद थोड़ा एज अ प्रीमियम टॉप वेरिएंट वाला फील आता है, इसमें वेरिएंट का लुक आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने पीछे बम्पर प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाए, ये क्रोम है एक्चुअली, बट इसका पन्नी नहीं निकला है तो इसी वो तो समझ गया मैं, क्रोम ही है वही। उसके बाद फिर अंदर मैंने इसमें सीट कवर लगाए, बेसिकली मैंने बॉडी कलर सीट कवर्स ही लगवाने का थोड़ा प्लान किया। जैसा कि आपको मालूम है i20 में पूरा ब्लैक इंटीरियर आता है, तो इसने मुझे बताया था दो चॉइसेस थी, यहाँ पर एक पूरा बेज था और ब्लैक, तो इसे भी कहीं ना कहीं इंटीरियर से मैच होने वाला ब्लैक ये ज़्यादा बेटर लग रहा था। आपका क्या व्यू है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद फिर मैंने एक्चुअली एसेसरीज वाले बोल रहे थे कि आप मैटिंग करवा लो, बेसिकली मैं इस ओपिनियन में नहीं था कि मैं अपनी सीट खुलवाऊं फ्लोरिंग करा लो या फ्लोरिंग करवा लो, तो जो कंपनी से फिटेड सीट्स आती हैं उनका अलग ही रहता है, इसलिए मैंने इसमें ट्रे मैट्स डलवा लिए। ये आप देख सकते हो 70 मैट्स है, जिसे मतलब क्लीन करना बहुत इजी है, आप सिंपली इसे उठा के बाहर डाल दोगे तो क्लीन हो जाएगा। फ्लोरिंग अगर आप कराने जा रहे हो तो 3-4 घंटे का काम रहता है, जैसा कि मैंने इसे भी बताया था। इसके बाद फिर ये स्कफ प्लेट्स भी मैंने इसमें इंस्टॉल करवा ली है, एलीट i20 का था, बट i20 2020 के लिए ये परफेक्ट बैठ रहा था। और फिर डोर वाइजर्स क्रोम बिल्ड के स्मोकी वाले, डोर वाइजर का हालांकि कोई पर्पस नहीं रहता, बट सबसे मेन चीज़ यही है कि जो लुक प्रोवाइड करती है गाड़ी का, एंड फिल्म भी लगवाई है इसने गाड़ी पे। और आपको मैं एक बार दूर से गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप कितनी प्रीमियम लग रही है। फिल्म मेरे ख्याल से 50% वाली लगवाई है ना, 50% वाली लगवाई है। अभी तक अराउंड 1 वीक हो गया है परचेज करते हुए, तो हालांकि कौन सी लॉन्ग ड्राइव्स तो नहीं हुई होगी, बट फिर भी अभी तक जो चलाई है कैसा रहा है इसका ड्राइविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड बाकी हैचबैक के, क्योंकि तू लेने जा रहा था तो तूने सारी गाड़ियां चला कर देख ली, मतलब दो तीन बार टेस्ट ड्राइव ले ली। मैंने इससे पूछा कि यार भाई गाड़ी इतनी परफेक्ट कैसे चलाने लग गया, तो बोले टेस्ट ड्राइव इतनी बार ले ली भैया कि मैं परफेक्ट हो गया। i20 को मतलब चलाने में बाकी गाड़ियों से क्या डिफरेंस लगा इसमें, और ओवरऑल कैसा क्या था एक्सपीरियंस इसका? एक्चुअली भैया मैंने बहुत सारी गाड़ी ड्राइव करके देखी है, जैसा आपने बताया टेस्ट ड्राइव करके देखा है मैंने, तो जब मैंने i20 चलाई ना, इसका जो पिकअप है और जो इसका कंफर्ट लेवल है, ड्राइविंग जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम इनिशियल पिकअप है, एकदम इंस्टेंट पिकअप है बलेनो जैसे, मतलब बलेनो जैसा कि लाइट वेट है, बलेनो बहुत ही लाइट वेट है, तो उसमें पिकअप भले ही ज़्यादा मिल जाएगा वही, बट एक जो ड्राइविंग ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे इस प्राइस पॉइंट पर तो इमैचेबल लगा है। भले सब कॉम्पैक्ट SUVs को अगर इग्नोर कर दिया जाए,
तो जो इस प्राइस पॉइंट पे जो i20 ऑफर करता है वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरी गाड़ी ऑफर करती है। मतलब जिसका बजट 8 से 9 लाख रुपए है, 10 लाख तक भी, और उसे प्रीमियमनेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए तो i20 का तोड़ ही नहीं। i20 का कोई तोड़ नहीं है, एकदम रिलायबल गाड़ी है। बेसिकली ये मुझे अभी चला के फील हो रहा है इसको, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो यार इमैचेबल है, 10/10 है ड्राइविंग। पहले पुरानी वाली जो i20 थी, नेक्स्ट जेन के पहले वाली, तो तब मतलब प्राइस रेंज उन्होंने इतनी बजट फाइटिंग रखी थी कि सेल भी बहुत हो रही थी, बट अब देखा जाए तो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलेगी जिसे i20 के बारे में उसका इंपॉर्टेंस पता है इस कार का, वही इस गाड़ी को परचेज करता है। बेसिकली लोगों ने इसका प्राइस पॉइंट इसीलिए रखा है कि एक प्रीमियम कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर किसी को प्रीमियम कार चाहिए तो वो लोग ही i20 लेते हैं, और अगर जिनका बजट एकदम स्ट्रिक्ट है तो वो लोग मेरे हिसाब से i20 प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका सेल्स जो है मेरे हिसाब से कम हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सेल्स कम हो रहा है तो इसमें कोई डिफेक्ट है, एक्चुअली प्राइस पॉइंट ही ऐसा है जो एक इसकी प्रीमियमनेस को हाईलाइट करता है। बाकी देखा जाए, जैसा कि तूने सोनेट और इनका भी बताया, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्राइस रेंज में बेस वेरिएंट में कुछ फीचर्स मिलते हैं। नहीं, बेस वेरिएंट में कोई फीचर्स नहीं मिले थे, इवन सोनेट और वेन्यू में भी मुझे ऐसे कुछ फीचर्स मिले नहीं, क्योंकि फीचर्स मेरा सेकंड प्रायोरिटी था, तो फीचर्स तो उसमें ऐसे कुछ मिले नहीं, इसीलिए मैंने कंसीडर नहीं किया। और मारुति की कार्स तो लेने का तो मतलब उसने बोल ही दिया था, वो कंपनी छोड़ के मुझे आप सारी बता सकते हो। हालांकि ब्रीजा अच्छा ऑप्शन था, बट इसके कंपैरिजन में तो फिर उसे अलग ही रख देते हैं। बलेनो के साथ अभी वही हो रहा है जो प्रीवियस i20 के साथ होता था, उसका प्राइस कम है, और बलेनो तो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, मतलब हर घर में एक बलेनो तो होती है जैसा अगर बोलना चाहो तो। इसीलिए मारुति का कुछ बिल्ड क्वालिटी और मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, और थोड़ी प्रीमियमनेस मारुति कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। ब्रेजा अच्छा ऑप्शन था, बट मेरे प्राइस पॉइंट में ब्रेजा का सिर्फ बेस वेरिएंट ही आ रहा था। वैसे अब गाड़ी के देखो कॉन्स कुछ भी नहीं है, बट जो तूने एक इशू फेस करा एज अ ओनर, कौन सी नई गाड़ी लाता है, कोई ड्रीम रहती है हर किसी की कार परचेस करना, बट जो इशू फेस हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था, फिर भी एक बार व्यूअर्स के साथ शेयर कर देना। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं गाड़ी में परचेस करके लाया, डिलीवरी लेके आया था, उसके तीसरे दिन ही गाड़ी में हॉर्न का एक इशू आ गया था, हॉर्न गाड़ी का बज नहीं रहा था। बट उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी सर्विस सेंटर वालों ने और जो ह्युंडई हर्ष ह्युंडई वाले हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस था। इसने शोरूम वालों को ऐसा बोला कि गाड़ी मंदिर जाने के पहले सर्विस सेंटर आ गई है, ये थोड़ा मेरे को अनफेयर लगा। बट तुरंत ही जैसे ही मैं उन लोगों के पास गया सर्विस सेंटर में, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, उनके पास गया, उन लोगों ने तुरंत कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उनको पता था हॉर्न का इशू है, उन लोगों ने तुरंत निकाला और नया हॉर्न डाल दिया। मतलब हॉर्न का इशू था, अंदर वायरिंग वगैरह में कोई भी डिफेक्ट नहीं। उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो मैकेनिकल चीज़ है वो भी एकदम फ्रेश नई गाड़ी थी, उसमें वायरिंग का कभी कभी रेयर केस में होता है। मैंने भी एक्चुअली मैं i20 के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी उन लोगों से कंफर्म किया, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही ये हॉर्न का इशू, क्योंकि गाड़ी नहीं रहती है तो वायरिंग का कहीं चिपकना थोड़ा कॉमन तो नहीं है, बट रेयर केस में हो जाता है, तो मेरे साथ हो चुका है। सर्विस भी अच्छी थी, मतलब अच्छा ट्रीट करा। ऑलरेडी मैं सेटिस्फाइड हूँ, उन लोगों ने वेलकम किया अच्छे से मेरा, और जो गाड़ी का मतलब अच्छे एकदम, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे सही हाथों में गाड़ी गई है, तो वो एक ट्रस्ट था, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे थे। इस बार हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि यार माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, कितने टाइम इंटरवल में सर्विस होती है, ये बेसिक चीजें सबको पता होती है, बट एज अ ओनर क्यों i20 ली। अनिमेश ने अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बाकी कुछ भी डाउट होता है बेझिझक कमेंट में बता देना, अनिमेश भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, उसी के बाद आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।